नमस्ते किसान भाइयों, आज बात करते हैं टाटा का अट्राटॉप। इस खरपतवार नाशक में जो टेक्निकल आता है अट्राजेन 50%। ज़्यादातर किसान भाई इसका इस्तेमाल गन्ने की फसल में, गन्ना की जब हम बुआई करते, बुआई के तुरंत 3 दिनों के अंदर इसका इस्तेमाल किया तो कम से कम 20 या 25 दिनों तक हमारी गन्ने की फसल में कोई भी घास उगने नहीं देता। और साथ ही साथ जो भी मक्का की फसल में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं इसकी काम कैसे करता है, डोज कितना है, कीमत कितना है, ये पूरी जानकारी। इसका जो काम करने का तरीका है, ये सिस्टमेटिक तरह से काम करता है, यानी कि छिड़काव के बाद मिट्टी पर एक लेयर तैयार करता है। जो भी मिट्टी से उगने वाले खरपतवार होते हैं उनको जड़ से मारने का काम करता है, इसलिए मिट्टी से कोई भी दूसरा खरपतवार उगने नहीं देता। हम इसका इस्तेमाल हमारे फसल में खरपतवार उगने से पहले भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो हमारे फसल में जब खरपतवार उगने लगा हो, 2 या 4 पत्तियों पर होगा, तब भी हम इसका इस्तेमाल करके हमारी फसल में जो भी खरपतवार चौड़ी पत्ती वाले है उनको अच्छी तरह से मार गिराता है। बात करते हैं इसमें कौन कौन सी खरपतवार इसके छिड़काव के बाद जाएगी, तो तंबाकू, जंगली तंबाकू, बथुआ, मकड़ा घास, बड़ी दुधी, छोटी दुधी, जंगली चौलाई, मकड़ा घास, चिकटा, जो भी चौड़ी पत्ती वाली घास होती है उनको अच्छे तरह से मार गिराता है या मिट्टी से ऊपर नहीं आने देता। तो बात करते हैं इसकी, हम इसका इस्तेमाल मक्का और गन्ना ये दो ही फसलों में कर सकते हैं, दूसरी फसल में ना करें। और साथ ही साथ एक छिड़काव के बाद कम से कम 20 या 25 दिनों तक कोई भी दूसरी फसल इस फसल में ना लगाए, लगाई तो मर जाएगी। डोज की बात करें तो 500 या 600-800 तक ग्राम प्रति एकड़ का डोज है प्री इमरजेंसी के लिए, यानी कि खरपतवार उगने से पहले हम इसका इतना डोज ले सकते हो। कीमत की बात करें तो 500 ग्राम का पैक आपको मार्केट में 250 तक मिल जाएगा टाटा का नाम से। हमारे फसल को ये कोई भी डिसएडवांटेज या डिसइफेक्ट नहीं करता, हमारी फसल को कोई भी इसका डिसएडवांटेज नहीं है। जब हमारी फसल पर छिड़काव करने वाले हो तब मिट्टी में अच्छी नमी होनी चाहिए, और फसल में जब खरपतवार उग गया होगा तो खरपतवार की जो पत्तियों पे 2 या 4 पत्तियों पर आपकी खरपतवार होगी तो ही जड़ से वो मर जाएगी, लेकिन ज़्यादा बड़े होगी खरपतवार तो वो नहीं जाएगी। धन्यवाद। आप चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए किसान चैनल को।